मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि आसवानी। आप देख रहे हैं मेरा उल्लास, मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर। आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सिंधी समाज के प्रथम महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी जी का हमारे शहर उल्लासनगर में आगमन हुआ। वे कैंप क्रमांक 3 ओटी सेक्शन में स्थित स्वामी धर्मदास दरबार में पधारे, जहां पर गंगाजल फ्रंट के प्रमुख श्री जीवन इदनानी और श्री टोनी सीरवानी व उनकी टीम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिओम। श्री चंद्रदेवम शिवम अद्वितीयम भस्मावलिप्तम शशि सुब्रमण्यम पद्मासनस्थम सुखदम यतीन्द्रम वाकाय चित्ते सत्तम भजम। परम सम्मान्य साईं धर्मदास दरबार, मुंजा लास पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी बलराम साईं जी महाराज, अज उन स्थान ते वरी अड़ी कृपा थी आ जो 13 अखाड़न मुख्य महामंडलेश्वर जो पद डेई करे उन सनातन ए सिंधु जी शेवा जे लाए मोकलियो आ, वा शेवा हिनन महापुरुषन जे सहयोग सा ढी अगे का अगरी हले पई थी, जो असो सिंधी समाज सनातन धर्म का जो थोड़ो सो परे थो जड़ी असाजे यार साई बलराम साहब जिन चालू कई असा उनके खूब अग्न वधाए। अज असा के अनंत खुशी आ कि असो सिंधी समाज वापस सनातन धर्म ए सिंधी दरबार से जुड़ी पैं संतन की वाणी के वधीक ध्यान दई करे ए संत शेवा में जुड़ी व्यान ए पांजन मंदरन टिकाणन सिंधी दरबारन के वसायण में लगा प्यान ए पंथन का परे थींदा ता वनन। पंथन जी भी शेवा भले कन पर पांजो मूल अस्तित्व पांजे सनातन धर्म में जेको आए पानी पीजे छान के गुरु कीजे पछान के वा गुरु परंपरा कदे न छड़न ए उन गुरु परंपरा के कायम कंदे ही सभी महापुरुष ए खास तौर ही सिंधु नगर उन में देवभूमि भारत जा अनेक अनेक महापुरुषन जो दरबारू आन जिन जो सभी जो सेवाओं ही महापुरुष संत असाजा मैन स्वामी अर्जनदास महाराज, मैन स्वामी आसनदास जी महाराज, मैन स्वामी परमानंद जी महाराज, सभी जणा पूरे उल्लासनगर ए सजे देवभूमि भारत में पैंज सनातन जो सेवाओं दई करे पैंजे सिंधु कौम के अज भी बरकरार करे रखाइन। मां भी उन्हनि जे कड़ीअ में ही जोड़े ऐं सनातन ऐं संस्कृति जी शेवा करे मां पंहिंजे यार खे तॾहिं संजंदुमि सची श्रद्धांजलि जॾहिं की असां उन्हनि जो ॾेखारियल मार्ग उहा शेवा पूर्ण कंदासीं तॾहिं उहा सची असांजी उन महापुरुष लाइ साईं बलराम लाइ भावनात्मक श्रद्धांजलि थींदी। ओम शांति। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी जी के आगमन पर कैंप 4 ओटी सेक्शन से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया,
जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप में कई झांकियां प्रस्तुत की गई तथा संत महापुरुष और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर इस यात्रा में शामिल हुए। बड़े ही सौभाग्य का विषय होता है जब संत का सम्मान करने का अवसर आए। संत जो होते हैं वो राष्ट्र के हितकारी होते हैं, समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया हुआ है। और यह उल्लासनगर, जैसा कि इसका नाम ही उल्लास है, प्रसन्नता का वातावरण यहाँ हमेशा बना रहता है। वहाँ ईश्वर के दरबार से आज हमारे जो उदासीन संप्रदाय के सिंधी समाज के प्रथम महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम साईं जी का सम्मान समारोह आयोजित करने का संत समाज ने और नगरवासियों ने निर्णय लिया है, तो इस हर्षमय वातावरण में यह संदेश कि जहाँ के संत सम्मानित होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है, वहाँ का नगर सुरक्षित होता है, वहाँ का राष्ट्र सुरक्षित होता है, वहाँ का समाज सुरक्षित होता है, और जिस देश की जनता, जिस क्षेत्र की जनता, जिस समाज की जनता अपने संतों के प्रति श्रद्धावान होती है तो निश्चित तौर से उस जनता का कोई भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता है। तो मैं संतों की ओर से नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और उनके सुख की मंगल कामना करते हुए पुनः उन्हें बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ, उनके सुखमय वातावरण की भविष्य में कामना करता हूँ। हरि ओम, शांति शांति। हरि ओम। बड़े ही हर्ष और उल्लास का क्षण है यह कि आज इस उल्लास नगर की धरती पर, खास करके इस 4 नंबर की बाबासाई बाजार में अपनी कृपा दृष्टि करने के लिए संत समागम इकट्ठा हुए हैं। बड़े बाग होते हैं, किसी ने पूछा भाई भगवान से कि जब आप किसी पर प्रसन्न होते हो तो उसे क्या देते हो। भगवान ने कहा भाई एक संत का दर्शन देता हूँ। कहा और ज़्यादा किसी पर प्रसन्न हो गए। कहा भाई दो संतों का दर्शन देता हूँ। फिर पूछा अगर किसी पर अत्यंत ज़्यादा प्रसन्न हो गए तो क्या देते हो उन्हें। भगवान ने कहा भाई उन्हें अनंत संतों का दर्शन देता हूँ। वैसा ही आप सभी का भाग्य है कि आज देखिए कहाँ कहाँ से सारे उल्लास नगर के संत एक जगह मिलने बहुत ही मुश्किल है। भीलवाड़ा से हमारे अखिल भारतीय साधु समाज के अध्यक्ष एवं जिन्हें अत्यंत ही भारी जिम्मेदारी दी गई महामंडलेश्वर जी की, वह आपके सामने पधारे हैं और हमारे परम प्यारे स्वामी बिंदु जी महाराज, बिंदु जो अपने आप को कहलाते ही बिंदु है, संतों की महिमा भाई अनंत होती है और ऐसे संत स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आए हैं तो आप तो सबसे बड़े धन्यभागी हैं। और यह जो आयोजन उल्लास नगर के संतों ने मिलकर किया है कि उनका सत्कार, भाई सत्कार किसी का क्या हो सकता है। ये तो एक बहाना है कि आपको इकट्ठा करने का, आपको नाम स्मरण कराने का, आपको संतों का दर्शन कराने का, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सके। हरिओम। जय साईं वसण गोठ, जय झूलेलाल। अज ढी खुशी जो अवसर आ सभी के विच में, उल्लासनगर के सभी सिंधन संतन के विच में, सिंधी समाज के विच में, सिंधी संत समाज के विच में, भीलवाड़ा का आयल संत सदगुरु महामंडलेश्वर श्री हंसराम जी महाराज, जे असि सिंधी समाज जहाँ सिंधी संत समाज जहाँ महामंडलेश्वर
अज उन स्वागत सत्कार हेतु अस संत महात्मा इतने गरजन ए चवन बढ़िया संत प्रभु के अंग में भगवान भी उन वस में आ संसार के इन भव सागर में एक संत ही सब की किश्ती आ अड़ो समो जे अचे तो कदें जे प्रभु जी थी घुर्ज थिए को महाकल्याणी संत तदें जग में तो अवतार वठे सो खुशी जो अवसर आज असा जे विच में श्री हंसराम जी महाराज गडन असा के आशीर्वाद देना है सजे सिंधी समाज के आशीर्वाद देना है दर्शन देना है सो अचो सभी गजी कर उन्हें जो अवगत कंदा से आशीर्वाद बटंदा जय वसन गोट जय पारुषा। आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। यह शोभा यात्रा विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए बाबा साईं तीर्थ स्थान पर समाप्त हुई जहां पर स्वामी हंसराम उदासी जी का भव्य सत्कार समारंभ आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई साधु संत उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। असाध्य रोग कैंसर से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं, क्या है इस बीमारी का इलाज, इसके बारे में जानकारी देने हेतु स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र की तरफ से गोलमैदान स्थित अम्ब्रेला हॉल में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वे लोग भी सम्मिलित थे जो कैंसर रोग से पीड़ित थे, लेकिन अब योग के द्वारा वे इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। 2002 में कैंसर हुई, मां टाटा में इलाज कयो, सजो कोर्स पूरो कयो, केमो इंजेक्शन लगाई, सब पूरो कयो। हाने भेनर तां भी न डकजो, कंखे भी काई भी तकलीफ़ थे मिंट में इलाज कजो, डकन की काई गाल ना है। इतने मैं आई आया योगा ला, तो हाँ पा मुख्य इतने तो सुठो लगे, बाहर डॉक्टर के पास सुठो नथो लगे, इन कर हाँ मैं इतने ही माना पाँच इलाज कराइंदम। सबको राधा स्वामी। मैं 6 साल से जो योगा से जुड़ी हूँ, योगा से जब भी नहीं जुड़ी थी सब बीमारियाँ थी, मुझे सब गोली लाती थी। अभी योगा से जुड़ने के बाद मुझे बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थोराइड सबके गोली बंद है। आई एम टुडे वेरी वेरी फिट एंड फाइन। मेरा नाम धीरज है, कल्याण से हूँ। लास्ट फेब्रुआरी को मेरे को डिटेक्ट हो गया कैंसर, और अभी मैं प्राणायाम और योगा से एकदम ठीक हो गया हूँ। एक टैबलेट डे में चलता है, मॉर्निंग में 6 बजे उठ के मैं सीधा प्राणायाम और योगा के लिए एक योगा क्लास में ज्वाइन हो जाता हूँ। तो मेरे साथ में मेरे बहुत सारे सहयोगी, उसमें कमलेश जी मुख्य हैं, कमलेश जी ने जो मेरे को बताया, और उसके वजह से मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। मुझे थायराइड कैंसर था, 1.5 साल पहले मेरा थायराइड कैंसर डिटेक्ट हुआ, और 1.5 साल के ही अंदर मैं डिजीज़ फ्री हो गई सिर्फ योगा की वजह से। पहले मेरा ऑपरेशन भी हो गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ योगा की वजह से मैं डिजीज़ फ्री हो चुकी हूँ। थैंक यू। मैं कमलेश सर का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने लोगों को अच्छा किया है, और आगे भी वो आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कमलेश सर का, हमारे दादाजी का, और मेरे जितने भी सहयोगी हैं जो कैंसर पेशेंट है वो यहाँ आए और उन्होंने खुल के बोला, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा, आज अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर हमने जो यह प्रोग्राम किया, आपने स्वयं देखा कि कैसे कैंसर से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो मेरी प्यारे उल्लासनगर वासियों से विनती है कि डरिए मत, बाहर निकलिए, बहुत बहुत आसान इलाज है कैंसर का, छुपाइए मत। बड़ी आसानी से हमारे स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र में, जहाँ मैं 3 घंटे डेली बैठता हूँ, वहाँ पर हम हर प्रकार के मरीज का इलाज कराते हैं, और कैंसर की तो खासियत है। सो मेहरबानी करके इसके प्रति सजग रहिए, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा जैसे मैं चुटकी बजा रहा हूँ, ऐसे ठीक होता है कैंसर। धन्यवाद। नमस्कार, माय नेम इज़ सीमा लांडे। मैं 1 महीने से शांति प्रकाश योगा आश्रम से और कमलेश सर के टीम से जुड़ी हूँ। योग से मुझे बहुत ही रिजल्ट आया है। मुझे साइटिका का प्रॉब्लम था, बट वो 50% ठीक हुआ है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप भी योग से जुड़े और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आगामी कुछ ही दिनों में उल्लासनगर मनपा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने पूरे शहर में अपनी गश्त बढ़ा दी है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरों को कानून का डर नहीं रहा, क्योंकि पवाई क्षेत्र में चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दुकानों के शटर तोड़कर वहां से नकदी और सामान चुरा लिया। आइए जानते हैं भुक्त भोगियों से कि किस तरह उनके दुकानों में सेंधमारी की गई। मेरा नाम राजेश है, मैं पवाई में एक छोटा सा बैग मटेरियल का दुकान चलाता हूँ। जैसे कि आप ऊपर बोर्ड पर देख रहे हैं, मेरे दुकान का नाम SR ट्रेडर्स है। यहाँ पे आज सवेरे मेरे दुकान का घरफोड़ी हुआ है। ये दुकान मेरा सवेरे 5 बजे यहाँ पे आके उन्होंने तोड़ा है। आज की तारीख में पवाई में ये वातावरण बहुत हो गया है। काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे कि आज से 2-3 महीने पहले भी एक बैरिक की जगह में, 2-3 बैरिक की जगह में चोरी हुआ था, लेकिन आज रात को कुछ ज़्यादा ही हो गया। आज रात को हम लोग के यहाँ पे 3 दुकानें तोड़ी गई है, जो कि बहुत ही पुलिस का फेलियर है। आज मेरे दुकान में, मेरे बाजू में एक अनिशा बैग है उनके दुकान में, और एक हमारा भाई है कृष्णा ट्रेवल्स वाले, जिनका दुकान तो मेन रोड पे है, उनका भी दुकान तोड़ा गया हुआ। हम लोग को आज के तारीख में उल्लासनगर में रहते हुए, जैसे कि हम व्यापारी हैं, हम लोग का धंधा है यहाँ पे। आज हमारे को अगर सुरक्षा नहीं होगी पवाई में, तो हम लोग धंधा कैसे करेंगे? आज हम लोग के पास सवेरे से कैश आना जाना होता है,
आज हम लोग पास कैश अगर थोड़ा बहुत छुट्टे के लगते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि नोटबंदी की वजह से मार्केट में आज के तारीख में 2000 के नोट का बहुत चलन हुआ है, तो इसके वजह से हम लोग के पास रोज़ सवेरे ग्राहक आते हैं जो 100-200 का सामान लेने को आते हैं और 2000 का नोट हमको देते हैं, तो उनके लिए हमको छुट्टा रखना पड़ता है। वैसे तो हम लोग के पास जो भी कैश रहता है हम लोग सब रात को घर लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको 2-3 हज़ार रुपये अपने पास रखना पड़ता है छुट्टे के लिए। आज मेरे पास से वो जितना सब छुट्टा था वो लेके गया। ये तो एक बड़ी वारदात को देने का अंजाम था, जिसमें वो जो ये बड़ी वारदात को अंजाम देने का उन्होंने कोशिश किया था वो असफल रही, क्योंकि उनको हमारे यहाँ से बहुत कम पैसा मिला। लेकिन अगर हम लोग कल रात को कुछ पैसे यहाँ पे भूल जाते तो ये एक बड़ी वारदात को घटना हो सकती थी। और जैसे कि हमारे पास कुछ और सामान पड़ा था, मेरा लैपटॉप वगैरह पड़ा था, उन्होंने वो सब नहीं उठाया, लेकिन मात्र हमारा कैश उठा के वो चले गए। अगर कैश उठाने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमारा शटर तोड़ दिया था, उसके बाद दूसरा कोई आता और मेरे यहाँ से सामान वगैरह चोरी हो जाता, लैपटॉप होता था, तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? आज के तारीख में हमको पुलिस कोऑपरेशन है लेकिन अप टू डेट नहीं है। आज हमको पुलिस से पूरा का पूरा सहयोग चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो आजू बाजू में बहुत बड़ा झोपड़पट्टी है वहाँ पे गर्दूले हैं, वो हमारे आजू बाजू में पूरा दिन रिक्शा में बैठ के वॉच करते हैं या गर्दूले पन करते हैं, उसके वजह से हमको बहुत यहाँ पे अनसिक्योरिटी फील होता है। आज हमारा पवाई के अंदर व्यापारियों का कोई भी सुरक्षा नहीं है और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। हम आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को और पूरे नेताओं को जो आज के तारीख में सब इलेक्शन में बिजी है, उनसे सबको अर्ज करते हैं ये कि आज हमारा सुरक्षा का भी कुछ सोचिए। आज हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। आज दिन दहाड़े हम लोग के यहाँ पे पहले भी 2-3 टाइम बैग वालों का पैसे छीने गए हैं, लेकिन रात को भी हम लोग हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, रात को हमारी दुकानें तोड़ी जाती हैं। अगर व्यापारी इस तरह सब जगह से पछताया जाएगा, नोटबंदी से सताया हुआ, दुकान तोड़ी से सताया हुआ, तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, हमको भी घर जाके बैठना पड़ेगा। हमसे आपका अनुरोध है कि आप हमारा ये संदेश पुलिस प्रशासन तक भी पहुँचाएंगे और नेताओं तक भी पहुँचाएंगे। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। बाबा बालकराम मंदिर शिकारपुरी धर्मशाला में हर महीने के प्रथम मंगलवार को एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया। शिकारपुरी धर्मशाला के अंदर हर महीने पहले मंगल ते डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर की मुफ्त कैंप थी रही है। यह अगेन 2 सालों का चालू है, अग्न भी चालू रही। सुबह जो एलोपैथी से दवाखानों हल्द ए शाम के टाइम से होम्योपैथी जो दवाखानों हल्द बिल्कुल वाजबी अग से असा दवा चार्ज वा हफ्ते चार्ज आ सिर्फ 20 रुपया एलोपैथी दवा में एक ढी दवा या 20 रुपया वरता वा इतना की पंचायत तमाम सुनो कार्य कर रही है जो पब्लिक जो सुठे में सुनो कम थी रो। महीने में एक दफो अस स्पेशलिस्ट के घुरा कर कैल्शियम की भी कैंप लगाइंदा कैंप टोटली फ्री होंगी है जैमें घट में घट 100 खन मू हर दफ़े फ़ायदो वठंदा आहिनि। जीअं जीअं असांखे उन कैल्शियम जे डेट जी चेकअप जी अपॉइंटमेंट मिली वेंदी आहे त असां पेपरनि जे थ्रू पब्लिक खे ॿुधाईंदा आहियूं जीअं मैक्सिमम माण्हू उनजो फ़ाइदो वठी सघनि। धन्यवाद। मां हिते पहिरें आयुर्वेदिक जो सेंटर हलायो हुयो पर पब्लिक जे घटि अचण जे करे असां उहो आयुर्वेदिक सेंटर कुझु टाइम लाइ बंदि कयो आहे। वरी हाणे ईअं ख़्यालु आहे त वरी हफ़्ते में हिकु दफ़ो या ॿ दफ़ा आयुर्वेदिक सेंटर हलाईंदासीं, चिकित्सा चालू कंदासीं। ईअं सेठनि सां ॻाल्हियूं हलियल आहिनि ऐं फाइनल थींदो त आयुर्वेदिक सेंटर बि तमामु जल्द खुली वेंदो ऐं हफ़्ते में हिकु दफ़ो या ॿ दफ़ा आयुर्वेदिक दवाऊं ॾिनी वेंदियूं ऐं चार्ज जेका हूंदी तमामु नामील थींदी। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री लाल पंजाबी का शुभ जन्मदिन गंगाजल फ्रंट के कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खूबसूरत केक काटा गया और सबका मुंह मीठा कराया गया। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है,
इसलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज की टीम आपको रूबरू कराते हैं किसी न किसी योग शिक्षक या विशेषज्ञ से, जो देते हैं आपको फिट और स्वस्थ रहने के कुछ उपयोगी टिप्स। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर राम शतानी, स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र से आज बात करेंगे मुद्रा चिकित्सा विज्ञान की। एक अनोखा अद्भुत विज्ञान जो मानव शरीर के लिए बेहतरीन है। हाथों के उंगलियों को किसी विशेष स्थिति में लगाने को मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा क्या काम करती है? जो मानव शरीर के पांच तत्व है उनको बैलेंस करती है। ये पांच तत्व हैं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इन तत्वों में से अगर कोई भी तत्व अनबैलेंस हो जावे तो ये मुद्रा उनको ठीक करने का काम करती है। बहुत ही बेहतरीन विज्ञान है ये। आज बात करेंगे हम लोग पृथ्वी मुद्रा की। ये पृथ्वी मुद्रा इस तरह होती है। ये जो हमारी सेकंड उंगली है, दूसरी वाली अनामिका, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, इनका टिप और अंगूठे का टिप लगा दें आपस में, बन गई आपकी पृथ्वी मुद्रा। इनका क्या काम है? इनका विशेष काम है हमारे शरीर के जो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूत करना, पाचन शक्ति को भी बढ़ाना है इनका काम, और साथ में जो विटामिन्स की कमी है उनको भी खूब बढ़ाती है ये मुद्रा, और जिनकी हाइट कम है ये हाइट भी बढ़ाती है। जो पतले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो ये मुद्रा लगाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इनका दूसरा भी काम है मुद्रा का, बहुत ही बेहतरीन काम है, ध्यान से सुनिएगा। जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन बहुत जन को कम रहता है, खून की कमी रहती है, ब्लड चढ़ाते रहते हैं, अगर वो ये मुद्रा करें 45 मिनट तक सिर्फ, तो उनका खून का जो कमी का तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और जो माँ बाप उनको शिकायत रहती है, हमारा बच्चा जो है खाता पीता तो बहुत है लेकिन हमेशा दुबला पतला और कद का छोटा रहता है, उनको ये मुद्रा सिखा के उनका फ़ायदा दे दें, बहुत ही अच्छी बेहतरीन मुद्रा है। और हमारा ये संकल्प रहता है कि जो मुद्रा विज्ञान है आप तक पहुँचाएँ, उसमें जो छुपे हुए रहस्य हैं वो आप तक पहुँचाएँ, इनका आप लाभ उठा सकें, खुद का डॉक्टर खुद बने और दूसरों का भी भला करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरा उल्लास, धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।